नमस्कार, मैं हूं भूषण। आप देख रहे हैं द न्यूज 9X। आज 11 जुलाई 2020 है। 11 जुलाई 2020 की बड़ी खबरें क्या है? भारत में कोविड-19 के संक्रमितों की संख्या 8 लाख के पार चली गई। यह आंकड़ा covid19india.org के मुताबिक है। इधर महाराष्ट्र में कुल संक्रमितों की संख्या 2,38,000 हो गई। बिहार में इसकी संख्या अब 14,330 हो गई है। बिहार समेत पूरे देश में कोरोना के संक्रमण लगातार बढ़ रहे हैं। इस बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के लोगों को भरोसा दिलाते हुए कहा कि किसी को पैनिक होने की जरूरत नहीं है। बिहार में संक्रमितों के ठीक होने का दर राष्ट्रीय औसत से अधिक है। बिहार में रिकवरी रेट 71.54% है, जबकि राष्ट्रीय औसत 62.42% है। मुख्यमंत्री ने अपील करते हुए लोगों से कहा है कि हर हाल में सोशल डिस्टेंस का पालन करें और मास्क का प्रयोग करें। उन्होंने कहा कि आवश्यकता अनुसार स्वास्थ्य सेवाओं में तेजी लाई जा रही है। इस बीच बिहार सरकार ने एक और राहत की बात किया है। अब सभी मेडिकल कॉलेज में कोरोना का इलाज करने का निर्देश जारी कर दिया गया है। नेपाल और नेपाल से सटे बिहार के तराई प्रदेशों में हो रही वर्षा से उत्तरी बिहार की सभी नदियों में उफान आया है। अधिकांश नदियों का जलस्तर लाल निशान से ऊपर चल रहा है। इधर मौसम विभाग ने आगामी 12 जुलाई तक बिहार में भारी वर्षा का अलर्ट जारी किया है और बाढ़ की स्थिति बनने के आसार जारी किए हैं। अररिया जिला में बारिश के दौरान हुई वज्रपात से 5 लोगों की मौत हो गई। इनमें एक वृद्ध एवं बच्ची हैं। मरने वाले सभी रानीगंज प्रखंड के बताए जा रहे हैं। किशनगंज में भी ठनका ने कहर ढाया है। वहां एक बच्चा समेत 3 की मौत हो गई। कटिहार जिले के आजमनगर प्रखंड में भी ठनका की चपेट में 2 की मौत हो गई। एक 18 वर्ष के लड़के पर ठनका उस समय गिरा जब वह सड़क पर वर्षा के पानी में स्नान कर रहा था। दूसरी घटना में महिला के मरने की घटना तब हुई जब बहियार में भैंस चरा रही थी। मुंगेर में नक्सलियों ने पुलिस मुखबिरी के शक में 2 लोगों की हत्या गला रेत कर दी। मृतकों में अरुण राय और ब्रिजनंदन टुडू हैं। इस घटना से मुंगेर में दहशत है। हथियार बंद लुटेरों ने सुपौल में L&T फाइनेंशियल सर्विसेज के एक कर्मी सोनू कुमार से 5,91,000 रुपये लूट लिया। चलते चलते लुटेरों ने विरोध कर रहे ग्रामीणों पर गोलियां चला दी। इसमें सज्जन कुमार नामक युवक घायल हो गया। रविवार यानी 12 जुलाई से बिहार के अररिया जिले में भी लॉकडाउन कर दिया जाएगा। कहा गया है कि इस दौरान सभी जरूरी सेवाएं जारी रहेंगी। बिहार के गया में दिन दहाड़े भारतीय जनता पार्टी के एक नेता को अज्ञात अपराधियों ने घूम डाला। घटना मंझौली गांव के समीप की है। मृतक का नाम रंजीत सिंह बताया गया। शराब तस्करी और होम डिलीवरी करने के आरोप में करीब 10 लीटर विदेशी शराब के साथ अंकु कुमार सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। यह वाकया कटिहार जिले की है। आरोपी झिटगिया गाँव की है। कटिहार जिले में DM कमल तनुज ने भारी वर्षा की आशंका के मद्देनजर अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग ने जिले में लगातार 11 दिनों तक वर्षा का पूर्वानुमान बताया है। ऐसे में बाढ़ की भी आशंका बन सकती है। मोतिहारी से हमारे संवाददाता संतोष राउत ने खबर दी है कि चैनपुर नरकटिया पथ के समीप पताही पुलिस ने एक युवक का शव बरामद किया है। क्षेत्र में इस घटना को लेकर सनसनी फैली हुई है। मृतक की पहचान बखरी के रवि कुमार के रूप में की गई है। लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान ने एक बार फिर वर्तमान परिस्थिति में चुनाव की पहल का विरोध किया है। उन्होंने साफ कहा है कि महामारी के बीच चुनाव कराना न तो लोकतंत्र के लिए सही है और न जनता के हित में है। इधर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के जेल की जमानत की खबर से BJP नेता व बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि लालू प्रसाद यदि विधानसभा चुनाव से पहले जमानत पर छूटते हैं तो NDA को 2010 जैसे परिणाम दोहराना आसान हो जाएगा। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग के निर्देश पर निर्वाचन विभाग द्वारा आयोजित निर्वाची पदाधिकारियों व उप निर्वाचन पदाधिकारियों के पहले बैच का प्रशिक्षण शुक्रवार को समाप्त हो गया। ये थी बिहार और बिहार से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें। खबरें कैसी लगी, अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में दें। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो फेसबुक पेज लाइक करें। अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल द न्यूज 9X सब्सक्राइब करें।